दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार इससे निपटने के लिए अपने स्तर से कई फैसले ले रही है। ऐसे में राजधानी में लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आज से स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया है, उसे लेकर हम प्रस्ताव बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए थे। सरकार ने प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए कई आपात उपायों की घोषणा की, जिसमें एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करना, निर्माण गतिविधियों पर रोक और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करना समेत कई फैसले लिए गए थे। और आपको बता दें कि दीपावली के बाद से ही जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और जवाब तलब किया था राज्य सरकारों से कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं इस वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए। इसी को लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नीति बना ली है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सुझाव भी दिया गया था कि अगर प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन भी लगाना पड़े तो लगाया जाए। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल आज से 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। गजेंद्र, जिस तरह से लगातार हर दिन पॉल्यूशन का AQI लेवल जो है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, कभी 700, कभी 750 और फिर 800, ऐसे में दिल्ली के आज के क्या कुछ हालात है, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली का अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो लगातार खराब श्रेणी में जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो कल से विवाह समारोह भी शुरू हो गए हैं, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं पटाखों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हालांकि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज सुबह भी रह रहकर पटाखों की आवाज आ रही थी। जाहिर सी बात है कि लगातार IQ खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम बात होने जा रही है और सामने जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज अपना पक्ष रखते हुए ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वायु की जो गुणवत्ता है उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि 500 से 200 के ऊपर AQI को कैसे लाया जाए। इसको लेते हुए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। लगातार अगर बात करें तो सबसे पहले 400 पानी के टैंकरों से छिड़काव रोजाना लगभग अब सड़कों पे किया जाएगा। उसके अलावा 1 हफ्ते के लिए स्कूलों को भी बंद किया गया है। बिल्कुल गजेंद्र, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी और अब केजरीवाल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है पॉल्यूशन को नियंत्रण में करने के लिए, आखिर क्या कुछ जरूरी चीजें हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है और फोकस चीजें हैं इस गाइडलाइन में? जी, सबसे पहले तो आज शनिवार को जो मीटिंग हुई थी, केजरीवाल ने जो एक मीटिंग बैठक बुलाई थी, उस बैठक में सबसे पहले तो ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा जाएगा कि पहले एक अहम चर्चा होनी जरूरी है 2 दिन के लॉकडाउन के ऊपर। वो लॉकडाउन के ऊपर पहले चर्चा पूरी तरीके से की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। उसके अलावा दिल्ली में किसी भी तरीके के कूड़े को जलाने के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, साथ में डीजल और पेट्रोल के जलावन के ऊपर भी रोक है। डीजल से चलने वाले जितने भी जनरेटर्स हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। उसके अलावा स्कूल 7 दिन के लिए बंद किए गए हैं और अगर बात करें तो 170 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पुरानी गाड़ियों को लेके या फिर पोल्यूशन वाली गाड़ियों के लिए चालान भी काटा जा रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, अगर हम देखें तो पहले जो राज्य सरकार है केजरीवाल सरकार, उन्होंने पोल्यूशन को नियंत्रण में करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला भी चलाया था ताकि जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जाए। स्मोक टावर भी इस बार लगाया गया है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर स्मोक टावर का भी निर्माण किया गया ताकि पोल्यूशन ना फैले और बावजूद इसके पोल्यूशन इतना ज्यादा फैल रहा है, लॉकडाउन पर भी विचार बन रहा है, ऐसे में हालात क्या कहते हैं, क्या वाकई दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है?
जी, जिस तरीके की स्थिति अभी दिखाई दे रही है, अगर सुबह उठ के देखा जाए तो लोगों को घना कोहरा दिखाई देगा। हालांकि ठंड की शुरुआत जरूर हो गई है दिल्ली में, लेकिन ये जो कोहरा है उसके अंदर पोल्यूशन का जो गुब्बार है वो अधिक मात्रा में है। ऐसे में आप अगर सुबह उठेंगे तो विजिबिलिटी आपको 600 से 800 मीटर तक की ही दिखाई देगी। ऐसे में दिल्ली लगातार गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए हालांकि अब दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, जैसे हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा एनसीआर राज्य अगर हम देखें जो एनसीआर में आते हैं, वहाँ भी स्कूलों को बंद किया गया है और वहाँ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर पराली की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सिर्फ पराली अकेला एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और सख्त तरीके से देखा जाए। जिसको देखते हुए दिल्ली के अंदर अब अगर देखा जाए तो हम सरकारी जो दफ्तर है उनको बंद किया गया है और एक हफ्ते के लिए वो भी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। उसके अलावा लाइब्रेरियों को भी बंद किया गया है, कुछ इंस्टीट्यूट्स को भी बंद किया गया है ताकि लोग घर पे रहें, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल हो। उसके लिए जो मेट्रो है और जो बस सेवा है उनकी फेरी को भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।